आज राज्य मंत्री परिषद की बैठक माननीय अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। उसमें खास तौर से सुशासन, जवाबदेही प्रशासन, संवेदनशील प्रशासन और खास तौर से जो फैसले लिए गए उसके बारे में विस्तार से रघु शर्मा जी बताएंगे, लेकिन मुख्य रूप से आपसे ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव घोषणा पत्र मुख्य सचिव के हाथों में सौंपा और ये कहा कि हमारा ये दस्तावेज है जिसको द्रुत गति से पूरा करना है और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार सारे विभाग काम करेंगे और ये हमारा नीतिगत दस्तावेज होगा जिसको सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसकी क्रियान्विति के लिए मंत्रिमंडलीय समिति का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया गया और मुख्य रूप से सबसे पहले अंबेडकर यूनिवर्सिटी और हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती शासन में जब अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री थे उस समय शुरू किए गए थे, उसको पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने बंद कर दिया था, उसको तत्काल शुरू करने का निर्णय लिया गया। अब ये दोनों विश्वविद्यालय पुनः जो हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय और अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, इनको तत्काल राज्य सरकार शुरू करेगी। इसके अलावा जो निर्णय लिए गए हैं उसके बारे में भाई रघु शर्मा आपको विस्तार से बताएंगे। भाई रघु शर्मा, रघु जी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। देखो आज जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई कुछ बिंदु तो माननीय कल्ला साहब ने आपके सामने रखे, लेकिन जो हमारा चुनावी घोषणा पत्र था मुख्यमंत्री जी ने उस चुनावी घोषणा पत्र को राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव को आज सौंपकर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ये जन घोषणा पत्र राज्य सरकार का नीतिगत दस्तावेज होगा जिस पे हम 5 साल काम करेंगे और इसकी क्रियान्विति समयबद्ध तरीके से और तत्परता के साथ की जाएगी। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मंत्रिमंडल की समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे मंत्रिमंडल ने अधिकृत किया है। 2 विश्वविद्यालय जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय और श्री हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय पिछली हमारी सरकार के दौरान हमारे द्वारा शुरू किए गए थे, उनको निवर्तमान सरकार ने बंद कर दिया। हमारी सरकार ने आज फैसला किया है कि दोनों विश्वविद्यालय फिर से प्रारंभ किए जाएंगे और इनके कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। हमने चुनावी घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि हम वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी करेंगे, सत्ता के विकेंद्रीकरण में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायत चुनाव में जो शैक्षणिक योग्यता की बाधा निवर्तमान सरकार ने नियम बनाया था, न केवल पंचायती राज संस्थाओं में बल्कि स्थानीय निकाय में भी, उस बाधा को आज मंत्रिमंडल ने हटा दिया गया है। क्योंकि संवैधानिक अधिकार है हर व्यक्ति का, चाहे वो पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन वो स्थानीय निकाय और पंचायत राज के जो चुनाव होते हैं उसमें वो भाग ले सकेगा। फसली ऋण माफ करने के लिए मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि अंतर विभागीय समिति का एक गठन होगा। ये अल्पकालीन फसली ऋण माफी के लिए मुख्यमंत्री महोदय को मंत्रिमंडल ने अधिकृत किया है कि वो एक समिति को का गठन करें। सहकारिता क्षेत्र के बैंक हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक हैं,
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, भूमि विकास बैंक है, इनकी ऋण माफी की पात्रता और मापदंड क्या होंगे, क्योंकि कई तरह की भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की गई है। आने वाले समय में, बहुत कम समय में, सारी स्थितियां स्पष्ट होगी और ये ऋण माफी का जो वायदा है कांग्रेस का घोषणा पत्र के माध्यम से, इसको हम अमली जमा बिना किसी आशंका के पूरा करेंगे। दूसरा, वृद्धावस्था पेंशन की जो बात की थी, हमने पिछली सरकार के दौरान दो स्लैब में ये पेंशन मिल रही थी, 500 रुपए की पेंशन हम दे रहे थे, 750 रुपए की पेंशन दे रहे थे। जिन लोगों को 500 रुपए की पेंशन मिल रही थी, हमारी सरकार ने आज निर्णय किया है कि उनकी पेंशन अब भविष्य में 750 रुपए होगी, और जिन लोगों को 750 रुपए मिल रही थी उन लोगों को बढ़ा के और 1000 रुपए प्रतिमाह ये वृद्धावस्था पेंशन हम लोग देंगे। संविदा कर्मियों की समस्या को दूर करने के लिए राज्य में विगत दिनों चुनाव के दौरान भी, चुनाव से पहले भी, हमारे पास कई प्रतिवेदन आए और उन प्रतिवेदनों का समावेश करके हमने हमारे जन घोषणा पत्र के अंदर, चाहे वो संविदा कर्मी हो, एनआरएचएम कर्मी हो, चाहे पैरा टीचर्स हो, उर्दू पैरा टीचर्स हो, लोक जुम्बिस में जो काम कर रहे हैं उन कर्मियों की बात हो, आंगनबाड़ी कर्मी हो, शिक्षा कर्मी हो, विद्यार्थी मित्रों, पंचायत सहायक हो, इन तमाम के अंतर्गत काम करने वाले जो कार्मिक हैं, उनकी समस्याओं के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। ये कमेटी इन सभी कार्मिकों की, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, इनको बुलाएगी, इनकी सुनवाई की जाएगी और इनकी भावनाओं के अनुरूप इनकी समस्याओं का समाधान करने का त्वरित निर्णय करेगी। उक्त समिति का गठन भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। राज्य मंत्रिपरिषद में एक और फैसला किया गया है, 2011 में भी एक हम एक्ट लेके आए थे और 2012 में भी एक एक्ट लेके आए थे, वो दोनों एक्ट है राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 और राजस्थान सुनवाई अधिकार अधिनियम 2012। इनका हम साथ साथ उपयोग करके शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, संवेदनशीलता और आमजन की सुनवाई को सुनिश्चित करने का हमारी सरकार काम करेगी। पंचायती राज और स्थानीय निकाय के बारे में मैंने पहले ही आपको निवेदन कर दिया है कि इसके अंदर पूर्ववर्ती सरकार के समय में जो शैक्षणिक योग्यता के मापदंड निर्धारित किए गए थे, हमारी सरकार ने उन मापदंडों को समाप्त कर दिया है। रिफाइनरी राजस्थान का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसकी शुरुआत कांग्रेस सरकार के दौरान हुई थी। पिछले 5 सालों में रिफाइनरी को लेकर जिस तरह से शिथिलता निवर्तमान सरकार के द्वारा बरती गई, उससे हमारा जो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट राजस्थान का, वो तेज गति से काम उस पर नहीं हो पाया। हमारी सरकार ने फैसला किया है कि ये हमारी सरकार की प्राथमिकता होगी और रिफाइनरी के काम को बहुत तेजी के साथ एक निश्चित समय अवधि के अंदर हम लोग पूरा करेंगे। इसके अलावा मंत्रिपरिषद में यह भी फैसला हुआ है कि सारा मंत्रिमंडल प्रतिदिन 9 बजे से 10 बजे के बीच में, जब भी वो यहां होंगे मंत्रीगण राजधानी में, आम जनता की सुनवाई सुनिश्चित करना ये तय किया गया है। 9 बजे से 10 बजे तक अपने घर पे आने वाले जो भी आम जनता है, उनसे सब वो संवाद स्थापित करेंगे, उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी करेंगे, उनका निराकरण करने का काम करेंगे। एक निवर्तमान सरकार के दौरान मैं समझता हूं कि बहुत ही लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं मैंने देखी नहीं कभी, कि सरकारी लेटर पैड पे किसी पार्टी विशेष के राजनेता का फोटो तो बीच में आ जाए और जो अशोक स्तंभ है वो कोने में चला जाए। हमारी सरकार ने
पूर्ववर्ती सरकार के इस निर्णय को समाप्त कर दिया तुरंत प्रभाव से। जो पहले की तरह सरकारी कामकाज होता था लेटर पेट पे, उसमें हमारा अशोक स्तंभ बीच में रहेगा, किसी नेता का या जनप्रतिनिधि का उसमें कोई उल्लेख नहीं रहेगा लेटर पेट में। पहले की उसमें दीनदयाल उपाध्याय जी का उन्होंने बीच में किया था, अशोक स्तंभ को साइड में किया था। एक मनरेगा जो कि कांग्रेस पार्टी का एक रोजगार देने का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारी भारत सरकार ने शुरू किया था, और जब तक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार काम करती रही, नरेगा पूरे राजस्थान में बहुत शानदार तरीके से चला। पिछली सरकार ने दुर्भाग्य से इसको ठंडे बस्ते में डाला। आज की बैठक में ये तय किया गया कि इसका प्रभावी क्रियान्वयन कैसे हो, ये सरकार की हमारी प्राथमिकता रहेगी, और इसके लिए मुख्य सचिव को निर्देश दिए गए हैं कि वो शीघ्र ही कार्य योजना बना के माननीय मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत करें। धन्यवाद। हाँ, एक 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 बिंदु जो था कांग्रेस सरकार के दौरान, हमने फैसला लिया था कि स्थानीय निकाय में मेयर हैं, सभापति हैं और अध्यक्ष हैं, इन तीनों का निर्वाचन सीधी पद्धति से आम व्यक्ति वोट डाल के किया करता था, जो कि हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने बदल के और नया निर्णय किया। हमने आज फैसला किया है कि जो इन तीनों निकाय के चुनाव होंगे, मेयर, सभापति और अध्यक्ष, उसका सीधी पद्धति से निर्वाचन होगा आने वाले समय में। रघु जी, मेरा एक सवाल है, जो आपने पंचायती राज वाला जो कानून आपने कहा है जिसमें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था, वो एक कानून बन चुका है, तो क्या आप उसको संशोधन लाएंगे उसमें? दोनों में, स्थानीय निकाय को भी इसमें जोड़िए। अगर ये कानून बन चुका है तो इसमें संशोधन आएगा, लेकिन हमारी सरकार ने आज फैसला कर लिया है तो ये तो लेजिस्लेशन तो अगर आएगा तो लाना जरूरी होगा तो लाएंगे। ये सर देखिए, एमपी एमएलए तो बिना पढ़ा लिखा बन सकता है? पहले सत्र में लाएंगे क्या इसी में? ये विधानसभा का अनपढ़ लोगों को अब नहीं पढ़ सकते हैं ना? सुनिए, मैं विधानसभा का सत्र कब से ला रहे हो? देखिए, अनपढ़ लोगों की बात, साक्षरता आ रही है, इतने लिटिगेशन, ये हमारी सरकार का फैसला है, और प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, सत्ता के विकेंद्रीकरण में उसकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। ये साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने का जिम्मा सरकार का ही है। सरकार अगर प्रयास करे कि साक्षरता का प्रतिशत बढ़े, लेकिन किसी को उसके लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित करने की प्रक्रिया हम समझते हैं कि लोकतंत्र में वो ठीक नहीं है। शर्मा जी, ये आपने पेंशन बढ़ाने की बात की है, ये कब से लागू होगी? निकट भविष्य? ये आज फैसला हो गया ना? नहीं तो लागू कब से होगा? कल से लागू? आज से ही लागू है, आज फैसला हो गया, मिनट्स तैयार हो गए, अब जो आदेश निकलने में जो समय लगता है वो तो आप भी समझ सकते हैं। अगले महीने की बड़ी पेंशन आएगी? अगले महीने? सर, पिछली सरकार देखिए, ये परंपरा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी पिछली बार, ये परंपरा उन्होंने ही डाली थी कि 6 महीने के जो अंतिम 6 महीने सरकार के हैं उनके निर्णय की समीक्षा करने की शुरुआत पिछली सरकार ने की है। हमारी सरकार भी इस सरकार, पूर्ववर्ती सरकार के 6 महीने के फैसलों की समीक्षा करेगी। किसकी कमेटी? तो निश्चित रूप से बनेगी, और उसमें कमेटी में अधिकारी भी होंगे, मंत्रिमंडल के लोग भी होंगे, और मुख्यमंत्री के निर्देश पे वो कमेटी बनेगी, लेकिन 6 महीने के जो निर्णय है, ये परंपरा बीजेपी की हमें सौगात में मिली है, तो उसी परंपरा का हम निर्वहन कर रहे हैं। जो मंत्रिमंडल में आज फैसला हुआ है,
वो मैंने आपको अवगत करा दिया। अब आप अगले 5 साल के डिसीजन क्या होंगे उसके बारे में अभी मुझसे पूछेंगे। ये विधानसभा का सत्र कब से बुला रहे हो? देखिए, जो आज मंत्रिमंडल में जो फैसले हुए हैं ना, उनके बारे में मुझे अवगत करने के लिए अधिकृत किया था, मैंने आपको अवगत करा दिया। ये सरकार पे छोड़ दो ना आप लोग, ये विधानसभा का सत्र कब से बुला रहे हैं? इसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है, हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं ये हमारे पर छोड़िए। मंत्री जी, शांति धारीवाल जी ने कहा था कि पिछली सरकार के समय जो बीजेपी को प्रदेश भर में अलग अलग जगह पर जमीनें आवंटित की गई है कार्यालय के लिए, उसकी भी हम समीक्षा करेंगे। मैं तो 6 महीने की बात तो आपको कह ही चुका हूँ ना, बाकी मैं मंत्रिमंडल की ब्रीफिंग के लिए आपके बीच में आया हूँ। अब उन्होंने क्या कहा उसका जवाब वो ही दे सकते हैं, मैं सिर्फ आज की ब्रीफिंग है, आज जो पहली मंत्रिमंडल की हमारी सरकार की बैठक हुई है उसमें हमने जो आज निर्णय किए उससे आपको अवगत कराने के। रघु जी, इसमें पूछना था, अध्यादेश लाओगे या बिल लाओगे, दोनों बात में तो क्लियर हुआ होगा ना मंत्रिमंडल? सरकार पे छोड़िए ना, जब हमने फैसला ही कर लिया। पूछ रहे और किससे पूछ रहे, बिल लाएंगे या अध्यादेश लाएंगे, दोनों में से क्या?